करनाल में देश का 71वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर करनाल के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। कार्यक्रम का आयोजन करनाल की नई अनाज मंडी में किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि ने ध्वजारोहण से पहले शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन किया। फिर उप मुख्यमंत्री ने झंडा फहराकर प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी, जिन्होंने जिप्सी में सवार होकर परेड ग्राउंड का जायजा भी लिया। मुख्य अतिथि ने राज्य पुलिस कर्मियों की टुकड़ी का निरीक्षण भी किया। एनसीसी की महिला टुकड़ी ने उप मुख्यमंत्री को सलामी दी। इस मौके पर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और युद्ध वीरांगनाओं को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने लोगों को संबोधित किया और गणतंत्र का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा कि हमें उन वीर शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए, उनकी कुर्बानी को हम दिल से सलाम करते हैं। गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि देश के संविधान के 71 साल पूरे होने पर जिस मजबूती के साथ इस देश की एकता रक्षा के लिए एक एक स्वतंत्रता सेनानी, एक एक उस वीर योद्धा जिसने बलिदान इस देश की सुरक्षा के लिए दिया, उसको नमन करते हुए इस देश को और आगे ले जाने को आने वाली पीढ़ियों को हम ताकत देने का काम करेंगे। मैं तो ये प्रण लेता हूँ कि प्रदेश और देश के अंदर आम जन की सुविधाओं को कैसे और सुधारा जाए, ये हमारी सरकार का संकल्प है। और इसके लिए आज ये निर्णय लेते हैं कि प्रदेश के अंदर हर पहला महीने के मंगलवार को ग्रामीण अंचल के लोगों को जो समस्याएं आती है उसको रेवेन्यू डे के तौर पर हरियाणा प्रदेश की सरकार बनाने का काम करे। जब SDM ऑफिस या तहसील के अंदर सुबह से लेकर शाम तक तहसीलदार SDM से लेकर कानूनों तक तमाम अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहकर इन मूल समस्याओं को निपटाने का काम करें, और इस तरह के प्रयास हमारी ये सरकार प्रदेश के आम जन को ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल विंडो सुविधा पहुँचाने के लिए वचनबद्ध है। सर, आपके पास एक्साइज विभाग है और करनाल में हर बार ब्लैक लिस्टों को ठेके दे दिए जाते हैं, पिछले 3 सालों से 25 करोड़ रुपए जमा नहीं हुए हैं और इस साल की जो किस्तें हैं वो 20 जनवरी तक जमा होनी थी, वो भी 30 करोड़ के आसपास जमा नहीं हुई। अगर आंकड़े आपके पास इतने मेरे महकमे के हैं तो मैं चाहूँगा वो आंकड़े आप पहुँचा कर दो, मगर जो आंकड़े मैंने निकलवाए, हमारा पिछली बार का जो एक्साइज का रेवेन्यू था वो 6100 करोड़ था, और पिछले 80 दिनों के अंदर हमने जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई वहीं हम शायद इस बार 6700 करोड़ का टारगेट अचीव करेंगे। और कहीं अगर कोई ऐसी व्यवस्था है कि कोई ब्लैकलिस्टेड आदमी ही रीपर्चेज ऑफ लिकर वेंडर करता है तो मैं चाहूँगा आप द्वारा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, जैसे 704 गांव ने अपनी रिक्वेस्ट भेजी है कि हमारे लिकर वेंडर बंद करे जाए, आप लोग वो भी भेजाएं, उन लोगों को भी आने वाली लिकर पॉलिसी जो बनेगी प्रदेश उसके अंदर हम बैन करने का काम करें। जो पैसे जमा नहीं हो रहे हैं उसके लिए भी रिकवरी करवाना हमारा काम है। आंकड़े आप बता रहे हो तो कितने तथ्यपूर्ण है उसकी जानकारी मेरे को नहीं, मगर ये विश्वास रहो देश के एक्साइज के अंदर आने वाला एक एक रेवेन्यू का ड्रॉप हम रिकवर करेंगे। मेरे संज्ञान में एक केस आया जिसके अंदर कोई लिकर वेंड मालिक मलेरकोटला का था, तो स्वयं मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मलेरकोटला से चर्चा कर उसकी प्रॉपर्टी अटैच कराने का काम किया। और कोई भी व्यक्ति अगर वो प्रदेश के राजस्व की चोरी करेगा और वो हमारे एक्ट के अधीन आता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैंने तो हमारा स्टॉक पूरा कराने के लिए 2-2 बार फिजिकल वेरिफिकेशन कराई है, और आने वाले 7 महीनों में अगर मेरे को लगता है कि किसी भी सेलर के अंदर से PDS का स्टॉक जो कि हमारी प्रॉपर्टी है उनकी निगरानी के अंदर वो कम होती है तो हम दोबारा फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराएंगे। और किसी भी महकमे के अंदर हमारा ये प्रयास है सरकार का कि ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, मजबूती के साथ प्रदेश को प्रगति के पथ पर चलाएं। और एक संकल्प और जरूर आपके लिए बीच लेता हूँ कि आगामी दिनों में जो हमारा संकल्प था 75% रोजगार के अंदर अधिकार का,
प्रदेश के अंदर उसको भी हम पूरी तौर पर लागू करेंगे। सर, धान घोटाले के ऊपर अभय चौटाला ने आप पे आरोप लगाया, आपकी पार्टी के ऊपर 1,00,000 रुपया। धान घोटाला किसको बोल रहे हैं उन नेताओं से पूछो। जब फिजिकल स्टॉक सेलर के अंदर मौजूद, दो बार उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन हुई, सिर्फ 36,000 मेट्रिक टन 64,00,000 मेट्रिक टन के अंदर कम है, तो इसके अंदर घोटाला कहाँ है? जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको बोलो गिरबान झाँक कर देखे कि ईयर एंडिंग में 70,000 मेट्रिक टन का लॉस होता था जब परचेज सिर्फ 35,00,000 मेट्रिक टन की थी, तो हमने तो उसको स्ट्रीमलाइन करने का काम किया। और जो लोग कहते हैं घोटाला हुआ, तथ्य लेकर आओ, आप सीबीआई बोलोगे, आप सुप्रीम कोर्ट बोलोगे, आप हाई कोर्ट बोलोगे, उसकी इंक्वायरी भी इसके अंदर करवाओ। शुगर मिल में 22 करोड़ का घोटाला हुआ है करनाल में, शुगर मिल 22 करोड़ का घोटाला, उसकी आज तक रिकवरी नहीं हुई, बल्कि इसकी कंप्लेंट की गई तो हाई कोर्ट में केस। इसके में शुगर मिल के बारे में शायद कोऑपरेटिव मिनिस्टर बेटर बता पाएंगे, क्योंकि उनके महकमा संज्ञान में है, मेरी जानकारी में ये मामला नहीं है। बिल्कुल जाऊँगा, जहाँ जरूरत पड़ेगी, जहाँ जननायक जनता पार्टी और चौधरी देवीलाल से जुड़े लोग दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में हैं, अगर जरूरत होगी तो उनको जाकर जरूर संगठन आज गठबंधन की ताकत को बढ़ाने का काम।